हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक जापानीज ड्रामा फिल्म हिमेजुकी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही बेहतरीन और मजेदार है, तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था केको। केको बड़े ही गंदे और भीगे कपड़ों में खड़ी थी। दूसरी तरफ हम यूसी को देखते हैं जो गार्बेज के आसपास घूम रहा था। यूसी को गार्बेज से एक गन मिलती है जिससे वो खुद को शूट करने ही वाला था कि तभी उसकी आंखें खुल जाती है और ये सिर्फ उसका एक डरावना सपना था। कुछ देर बाद यूसी फ्रेश होकर स्कूल के लिए निकलता है। क्लास के दौरान केको यूसी को ही घूरे जा रही थी, मानो जैसे कि वो उसे लाइक करती हो। अचानक क्लास की टीचर के साथ यूसी की फाइट हो जाती है, लेकिन केको अपने क्रश यूसी का ही सपोर्ट करती है। नाउ स्कूल के बाद यूसी अपने जॉगिंग पार्टनर्स और नेबर्स के साथ बैठकर मजे से गप्पे कर रहा था। इस दौरान उसके फादर वहाँ चले आते हैं और वो यूसी और उसकी माँ के लिए अपशब्द कहे जा रहे थे। इसके अलावा वो यूची को उन्हें कुछ पैसे देने को भी कहते हैं, लेकिन जैसे ही यूची पैसे देने से मना कर देता है तब यूची के फादर गुस्से में यूची को बहुत बुरी तरह से मारते पीटते हैं। यूची इस बात से बहुत सैड था क्योंकि एक बाप कैसे अपने बेटे को बेवजह इतनी बुरी तरह से मार सकता है। अब जैसे ही दोनों बाप बेटे घर पहुँचते हैं, मौका देकर यूची के फादर घर का सेफ खोल कर पैसे चुराने की कोशिश करते हैं। यूची अपने फादर को पैसे चुराते हुए देख लेता है। ये देख यूची अपने फादर को सुनाने लग जाता है, जो सुन यूची के फादर आग बबूला होकर कहते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारे जन्म से पहले ही मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन हमने तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। दूसरी तरफ केको मन ही मन कुछ सोच कर बेहद खुश थी क्योंकि आज वो हिम्मत करके यूची से बात करने की कोशिश करती है। हालांकि यूसी उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। नाउ स्कूल के बाद केको दोबारा से यूसी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों में अब भी बातें नहीं होती है। इस दौरान काफी तेज बारिश हो रही थी तो दोनों एक साथ घर की ओर जा रहे थे जो कि दोनों के पास एक ही साता था। रास्ते में केको की पैर स्लिप हो जाती है और वो सीधा एक बड़े गड्ढे में गिर जाती है। यूसी केको को अपने साथ घर पर ले जाता है और उसे चेंज करने को कहता है। केको काफी खुश थी अपने क्रश के साथ कुछ समय बिताकर। वो यूजी से कुछ और देर बातें करना चाहती थी जिस वजह से केको उसे अप्रोच करती है, लेकिन यूजी काफी गुस्से में था और बेवजह वो केको को थप्पड़ मार देता है। कुछ देर बाद केको यूजी को एक गेम खेलने को कहती है, जो भी इस खेल के दौरान हारेगा उसे थप्पड़ मारा जाएगा। यूजी इस खेल को खेलने के लिए तैयार नहीं था और वो केको को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। ये देख केको यूसी को थप्पड़ मार देती है और ऐसे ही दोनों झगड़ने लगते हैं। अगली सुबह यूसी अपनी माँ को उनके बॉयफ्रेंड के साथ देख काफी परेशान और गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से वो उस आदमी को धमकी देते हुए अपनी माँ से दूर रहने को कहता है। जैसे तैसे यूसी की मदर उसका गुस्सा शांत करती है और दोनों वहां से जाने लगते हैं। हालांकि इस घटना के बाद यूसी अपनी माँ को सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर रहा था। अगली सुबह यूसी घर पर अपनी माँ का लिखा हुआ एक खत पाता है। खत देख उसे पता चलता है कि उसकी मदर घर छोड़कर जा चुकी है। दोस्तों, इस वजह से यूसी के पढ़ाई पर काफी अफेक्ट पड़ता है, जो कि उसके पास पैसे नहीं थे। यूसी स्कूल जाना भी बंद कर देता है। ये देख केको यूसी के लिए थोड़ी परेशान थी। केको यूसी से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और उसे परेशान देख केको उसे हमेशा सपोर्ट करने का वादा करती है। अगले सीन में हम शोसो नामक एक आदमी को देखते हैं। शोसो इस शहर में पॉकेट मारना सीखने के लिए आया हुआ था, लेकिन किसी ने उसकी ही पॉकेट मार ली थी। इससे शोसो काफी नाराज था। वो फौरन अपने ट्रेनर से मिलकर ट्रेनिंग शुरू कर देता है। रात के समय शोसो अपने ट्रेनर के साथ एक अपार्टमेंट में जाता है। यहाँ मौजूद काफी सारे लोग मिलकर चोरी करने की प्लानिंग्स बना रहे थे। अब सीन शिफ्ट होते ही हम केको को यूसी के घर पर देखते हैं। केको यूसी की मूड बेहतर करने के लिए उसके साथ उसके बोट यार्ड पर काम करना चाहती थी।
यूची पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन केको उसे धमकी देकर डराती है कि मैं तुम्हारी हालत के बारे में स्कूल में सभी को बता दूंगी। ये सुन यूची और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो केको को दोबारा से थप्पड़ मार देता है। दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं और गुस्से में केको अपने घर चली जाती है। दोस्तों, केको घर पहुंचते ही अपने पिगी बैंक से कुछ पैसे निकाल रही होती है। इस दौरान उसकी मदर उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर वो अपनी बेटी को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। केको खुद को अपनी मदर के हाथों से बचाने के लिए एक कमरे में छिप जाती है। नाउ अगले दिन यूजी शोसो के साथ था। शोसो यूजी के घर कुछ पैसे लेने के लिए आया हुआ था, जो कि उसके पिता ने एक समय इन लोगों से लोन लिया हुआ था। कल रात उस अपार्टमेंट में मिले सारे लोग भिखारी लेकर यूजी के घर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने एक समय हमसे काफी पैसे उधार ले रखे थे और उन्हीं पैसों को अब तुम्हारा पूरा परिवार मिलकर देगा। यूजी सभी से कहता है कि अब उसके फादर यहाँ नहीं रहते हैं, साथ ही उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बाकी सभी तो यूजी की बात को इग्नोर करते हुए घर के भीतर जाने लगते हैं, लेकिन यूजी उन सभी को मना कर रहा था। अब बातों बातों में सभी के बीच हाथापाई हो जाती है, जिस वजह से यूजी और शोसो काफी बुरी तरह से पीट दिए जाते हैं। दोस्तों, शोसो भले ही एक चोर था, लेकिन इंसान वह बहुत अच्छा था। नाउ मूवी के अगले सीन में शोसो अपने ट्रेनर से मिलकर उनके साथ काम करने को तैयार हो जाता है और फिर ये दोनों अपनी पहली चोरी को अंजाम देने के लिए निकलते हैं। इस दौरान ये दोनों मिलकर घर के ओनर पर अटैक कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जाने से पहले दोनों मिलकर उस डेड बॉडी को कहीं छिपा देते हैं और बैग भरे पैसों को लेकर घर की ओर रवाना होते हैं। दूसरी तरफ केको यूजी के बोट यार्ड पर जाती है, जो कि आज बोट यार्ड के उद्घाटन का पहला दिन था। पहले ही दिन में काफी कस्टमर्स बोट यार्ड पर मौजूद थे, लेकिन इनमें से एक कस्टमर बड़ी ही अजीब तरह से बात कर रहा था। ये कस्टमर यूजी को किसी का खून करने के लिए उकसा रहा था और फिर ये आदमी एकदम से वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद केको अपना काम खत्म करके घर की ओर जाने लगती है, तभी वहाँ यूजी के पिता बोट यार्ड पर पहुँच कर यूजी से कुछ पैसे मांगते हैं। यूजी उन्हें दोबारा से पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देता है। इस बात को सुन यूजी के फादर गुस्सा होकर उसे बहुत मारते हैं। यूजी भी खुद को कंट्रोल ना कर पाकर अपने फादर को एक बड़े पत्थर से मारने ही वाला था, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को ऐसा करने से संभाल लेता है। नाउ अगले सीन में शोसो उन आदमियों को फोन करता है जो पिछली बार यूजी के घर आकर बवाल मचा रहे थे। दोस्तों, शोसो उन लोगों से कहता है कि यूजी के फादर द्वारा लिए गए सारे पैसों को वो खुद चुकता कर देगा। दूसरी तरफ यूजी अपने कमरे में रो रहा था। ठीक इसी समय केको उसके घर पर पहुंचती है और मेंटली यूजी को वो काफी सपोर्ट करती है। नाउ रात के समय यूजी के फादर यूजी से कहते हैं, तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम सभी की वजह से मुझे इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे इंश्योरेंस के सारे पैसे तो मैं ही पाऊंगा। तुम जैसे बेकार बेटे को घर पर रख कर आखिर क्या होगा? ये कहकर यूजी के फादर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से यूजी उन पर अटैक कर देता है। यूजी इतने परेशानी और ट्रॉमे से जूझ रहा था कि वो अपने फादर को बेरहमी से मार देता है और उन्हें घर के सामने ही दफना देता है। अगली सुबह यूजी फैसला करता है कि अब से वो उन सभी लोगों को मौत के घाट उतारेगा जो दूसरों को परेशान किया करते हैं। यूजी अपने चेहरे पर रंग लगाकर अपने मिशन पर निकलता है। अब ऐसे ही दिन कटती जाती है। इसके अलावा यूजी पागलों की तरह बर्ताव करने लगा था, जिस वजह से उसके नेबर्स भी उससे डरते थे। नाउ एक दिन यूजी लोन के लोगों को मारने का फैसला करता है। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए यूजी उनके ऑफिस जाता है, जहां से उसे पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही शोसो ने लोन की पूरी रकम चुकता कर दी थी। दोस्तों, मैंने पहले भी आप सभी से कहा था कि शोसो एक अच्छा इंसान है, साथ ही वो यूजी का नेबर भी था और वो यूजी को काफी ज्यादा पसंद करता था। शोसो एक बच्चे की जिंदगी को इस तरह से खिलवाड़ होते हुए नहीं देख पा रहा था, इस वजह से उसने सारे पैसे चुका दिए थे। दूसरी तरफ केको यूजी के घर पहुँच कर एक रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमे यूजी ने ये रिकॉर्ड किया था कि अब वो उन सभी बुरे लोगों को जान से मार देगा जो दूसरों को बेवजह परेशान किया करते हैं
और ये सुन के को रोने लगती है। अब यूई सिशोसो से मिलता है। वो शोसो को बहुत बुरी तरह से मारते हुए पूछता है कि आखिर उनके पास लोन की इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। शोसो ज्यादा कुछ ना कहकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, जब से यूईजी ने स्कूल छोड़ा था तब से केको भी स्कूल नहीं जा रही थी। वो स्कूल का नाम करके यूईजी के घर जाया करती थी। अब ऐसे ही दिन कटता जा रहा था और एक दिन केको यूईजी से पूछती है कि तुम इतने परेशान थे कि अंततः तुमने अपने फादर को जान से मार दिया। ये सुनकर भी यूईजी शांत था। वो केको से जरा सा भी बात नहीं करता है, लेकिन अपने परेशानियों के चलते यूईजी काफी उदास था। यूईजी घर से बाहर बैठा हुआ था। रास्ते में वो एक लड़की को देखता है जिसे चैन से बांधा गया था, साथ ही उसके शरीर पर पेंटिंग्स बनाई गई थी। यूईजी को ये देख काफी बुरा लगता है उस लड़की के लिए, लेकिन वो लड़की यूईजी को बताती है कि ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से करती है, ना कि किसी ने उस पर दबाव डाला है। कुछ देर बाद लोन का एक आदमी यूईजी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले जाने लगता है। वो आदमी यूईजी को एक गन देता है, हालांकि यूईजी उसे लेने से मना कर देता है, लेकिन ये आदमी जबरदस्ती गन को उसके घर की वॉशिंग मशीन के भीतर रख कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह केको ठीक वही सपना देखती है जो यूईजी ने मूवी की शुरुआती सीन्स में देखा था। केको फौरन यूईजी से मिलती है। आज पहली बार दोनों एक दूसरे से ठीक तरह से बातें करके एक दूसरे की अंदर की इमोशनल फीलिंग्स और बातें एक दूसरे को शेयर करते हैं। केको यूईजी से कहती है कि अब दोनों को शादी कर ही लेना चाहिए, लेकिन यूईजी जानता था कि फिलहाल वो जैसा काम करता है इस वजह से वो ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा, इसलिए वो उससे शादी करने से इनकार कर देता है। कुछ देर बाद यूईजी खुद को गन से शूट करने ही वाला था, लेकिन उसके नेबर्स आकर उसे रोक लेते हैं। अगले सीन में यूईजी के नेबर्स उसके घर को दोबारा से सुंदर तरीके से सजाते हैं, जिससे कि वो पहले से बेहतर महसूस कर सके और अपने ट्रॉमा और परेशानियों से बाहर आ सके। यूईजी अब थोड़ा खुश रहा करता था। वो काफी बेहतर भी महसूस कर रहा था। इस दौरान केको यूईजी के साथ घर पर थी। केको यूईजी से कहती है कि उसने यूईजी के बारे में पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है, साथ ही कल दोनों को पुलिस स्टेशन जाना होगा। अब बातों बातों में यूईजी केको से माफी मांगते हुए कहता है, मैंने आज तक तुमसे बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया है, लेकिन मैं खुद भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं जेल से छूटकर बाहर आऊंगा, हम दोनों शादी कर लेंगे। केको तो इन बातों को सुन बेहद खुश थी। दोनों मिलकर सारी रात अपने फ्यूचर प्लानिंग्स बनाते बनाते सो जाते हैं। कुछ देर बाद यूईजी वॉशिंग मशीन से गन निकालकर बाहर चला जाता है और दो तीन बार किसी पर शूट करता है। इन आवाजों को सुन के वो डर के मारे यूईजी को ढूंढते हुए बाहर चली आती है। उसे डर था कि कहीं यूईजी ने खुद को चोट तो नहीं पहुंचा ली। यूईजी तो ठीक था, लेकिन एकदम से दोनों चिल्लाते हुए अपने घर से भागने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी की एंडिंग में केको एक सपने की दुनिया के बारे में सोच रही थी, जहां वो यूईजी के जेल से आने के बाद उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती थी, जो कि संभव नहीं था। वहीं यूईजी ये सोच रहा था शायद उसके जेल से आने के बाद केको उसकी नहीं रहेगी, क्योंकि केको अभी सिर्फ 14 साल की है। यूईजी के जाते ही उसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स जरूर आ जाएगा जो उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा, जो शायद फिर वो यूईजी से नहीं चाहेगी। कहीं ना कहीं यूईजी की सोची गई बात ही सच है, क्योंकि आखिर कब तक केको उसका इंतजार करेगी। लेकिन जो कि केको एक ड्रीमर थी, उसे कल्पना करना बेहद पसंद था और उसके सपने के माध्यम से वो हम सभी को एक सबक सिखाना चाहती थी कि जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ और डिजास्टर से जूझने वाला हर इंसान अपनी जिंदगी में सपने देखने का अधिकार रखता है। इसके साथ साथ मूवी की एंड में केको चिल्लाते हुए कहती है, डोंट गिव अप, यानी कि हार मत मानो। दोस्तों, केको ऐसा दो तरह के लोगों के लिए कह रही थी। पहला, जापान के उन लोगों को जो अक्सर आए सुनामी और डिजास्टर के बाद आशा रखना छोड़ चुके थे और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में तकलीफ के चलते टूट से गए थे, जिस वजह से आम इंसान भी सपना देखना भूल गया था। दूसरा, यूईजी जैसे लोगों के लिए, भले ही उन्हें शहर के डिजास्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता था,
लेकिन यूसी अपने जिंदगी में आई प्रॉब्लम्स को डिसास्टर के समान मानता था, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी जीना भूल चुका था। साथ ही वो अपनी जिंदगी में तकलीफ दर्द के अलावा कुछ ना तो देखना चाहता था और ना तो कुछ महसूस करना चाहता था। वही के को उसे सिर्फ इतना ही समझाना चाहती थी कि चाहे जिंदगी में जो हो जाए, चाहे जिंदगी में कोई भी मोड़ क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा सपना देखना चाहिए। मन की खुशी के लिए हमें काल्पनिक जीवन का भी लुत्फ उठाना चाहिए, जिससे कि हम खुशहाली से अपना जीवन जी सके। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन, किमीज़ू। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज की ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।